आप मुझे सड़कों पे चाहिए, मॉल्स पे चाहिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लोगों के घर, गांव, कुछ भी छोड़ना मत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। क्योंकि पाप एक बड़ा कारण है, जो माफी मांगोगे वो माफ करेगा, पर चंगा बोना तो पेगा कि नहीं। जैमसी की हम लोग के काफी कनाडा ब्रांच में कनाडा शहर में खामरा चर्च से मेमोरी वाइफ आए सुसमाचार प्रचार की टीम के साथ हिस्सा बनने के लिए। तो हम सब उसको इनवाइट करते कि आप अपने शहरों से निकले, अपने घरों से निकले, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को पूरे वर्ल्ड के हर छोर तक पहुंचा सके, जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं कि सुसमाचार हर कॉर्नर पहुंचे, ताकि वो जल्दी आ सके। और परमेश्वर के दास भी रोज यही मैसेज देते हैं। तो आप सबको हम इनवाइट करते हैं कि आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, या आप अपने एरिए में सुसमाचार प्रचार करने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें इनवाइट दिए, हम आपके साथ हेल्प करेंगे, ताकि आपके गली मोहल्लों को एक एक घर में भी सुसमाचार पहुंचाए, ताकि अरबों खरबों उन्हें परमेश्वर के किंगडम के लिए भी चाहिए। भजन संहिता 107 उसकी 20 आयत के अनुसार, ये विश्वास करो कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है आपकी कंट्री में। कनाडा में परमेश्वर ने अपने दास अपोस्टल अंकल यूसुफ नरुलज के द्वारा इस वचन को भेजा है। जो भी कोई इस वचन को रिसीव करेगा तो सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आने वाली तबाही से, आने वाली मुश्किलों से, आने वाली सभी परेशानियों से, जहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी बात है जिससे आप परेशान हो चुके हैं, तो बिलीव करें परमेश्वर का वचन आपके लिए है। परमेश्वर का वचन आपके पास इसीलिए पहुंचा है कि वो अपनी इस वचन की ताकत से तुझे छुड़ा ले, क्योंकि वो अपना वचन भेजता है, चंगा करता है और आने वाली तबाही से भी बचा लेता है। पहले ये परमेश्वर का वचन जो आपके पास पहुंचा है आपको चंगा करेगा, फिर आपके घराने को चंगा करेगा, फिर आपके साथ जुड़े हुए हर एक रिश्तेदार को, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए आपको जानते हैं, उन्हें भी चंगा करेगा और उन्हें आराम देगा, क्योंकि पवित्र कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ तो मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे चंगा करूँगा। आज जितनी भी चिंताओं को लेकर आप बैठे हैं, आज गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है आपको छुड़ाने के लिए। ये परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगते, बल्कि परमेश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने बेटों के द्वारा, अपनी बेटियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा अपने वचन को आपके घर तक, आपकी दुकान तक, आपके शोरूम तक, आपके मॉल तक, जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं दुनिया के शोर तक, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है। इसलिए सुसमाचार का प्रचार आप तक पहुंचा है कि आपको छुड़ा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुशी का दिन है कि आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। अगर आप भी प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। अगर आप कनाडा में हो तो कनाडा में ये पूरी टीम आपके लिए काम करती है, आपके लिए प्रार्थना करती है। आप भी इस टीम के साथ मिलकर प्रभु यीशु जी का प्रचार कर सकते हो और अनंत जीवन पा सकते हो। हालेलुया। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करते हैं, इसीलिए आपको वो छुड़ाना चाहते हैं शैतान के जाल से, उसकी योजना से, उसकी बीमारी से, उसके डिप्रेशन से। ट्राई करें एक बार, 7 हफ्ते आप कनाडा ब्रांच में विजिट करें, परमेश्वर के आगे अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर के साथ वादा करें कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, तू मुझे आशीष दे, तू मेरे डिप्रेशन को दूर कर, तू मेरे अकेलेपन को ख़त्म कर, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरे भवन में आती रहूँगी और तुमसे बेहद प्यार करूँगी। आज विश्वास करें परमेश्वर आपके लिए मारा गया, तड़फ तड़फ कर उसने जान दी, मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा, वो आज भी जीवित है, आपसे बेहद प्यार करता है, आपके लिए ही ये वीडियो बनी है, वो आपको बुला रहा है क्योंकि वो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। जो मेन प्लान है परमेश्वर का, जो मेन मकसद है परमेश्वर का आपको स्वर्ग ले जाने के लिए,
इस दुनिया के जब इस दुनिया से हम चले जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे? बाइबल कहती है कि आप यीशु मसीह के सामने जाओगे, वहाँ पर हर एक का न्याय किया जाएगा, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर का आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए और कनाडा टीम को भी परमेश्वर बढ़ाता जाए, पवित्र आत्मा से भरे और अपनी महिमा के कामों के लिए और अपने वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर हर दिन इनको नए मसीह के साथ ब्लेस करें। अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में कमांड करते हैं इस टीम से, कनाडा ब्रांच से, यीशु नासरी के नाम में सदा के लिए नष्ट हो जाए और निकल जाए, और ये ब्रांच को हम सदा के लिए ब्लेस करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की महिमा, खुदावंद के लोग आशीष पाते रहें यीशु नासरी के नाम में। आमीन।